प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान रखा गया है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा में पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, जिसके चलते उन्हें शिक्षा नहीं छोड़नी पड़ेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और मजबूत बनाने के लिए FCI की इक्विटी को बढ़ाकर 10,700 करोड़ रुपए किया है। आज फैसला लिया गया है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सिग्निफिकेंटली और स्ट्रेंथन किया जाएगा। अगर हम देखें, आप पिछले 10 वर्षों में फूड प्रोक्योरमेंट, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और MSP भी कई गुने बढ़ी है, तो इसके कारण जो FCI का ऑपरेशन, उसका स्केल बहुत बढ़ गया है। अगर जो FCI के पास स्टॉक्स रहते हैं एंड ऑफ द ईयर, इफ वी लुक एट द एवरेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स विच आर देयर एट द एंड ऑफ एनी ईयर, एवरेज 80,000 करोड़ के आसपास का स्टॉक FCI में रहता है। अगर इस साल का देखें, 31 मार्च 2024 का, तो 98,000 करोड़ का स्टॉक FCI के पास था। दैट मीन्स इसका जो स्केल है वो स्केल बहुत बढ़ गया है। FCI के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए, इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश एक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का FCI में इन्फ्यूज किया जाएगा। सो दैट मीन्स FCI विल बी एबल टू डू मच मोर देन व्हाट इट हैज बीन डूइंग। आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, दिस स्कीम बेसिकली एम्पावर्स द यूथ एंड मिडिल क्लास। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स।